हाय गार्डनर ये मेरा जरबेरा का फ्लावर देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये और कितनी ज़्यादा पेटल्स हैं इसमें काफ़ी बड़े साइज का ये फ्लावर खिलता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये तो फ्रेंड्स मेरा ये प्लांट दो साल से एक ही पॉट पे लगा हुआ है दो साल से ये प्लांट इसी पॉट पे लगा हुआ है मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो जर्बेरा प्लांट की रिपोर्टिंग और उसे हम रूट डिवाइडिंग से कैसे प्रोपोगेशन कर सकते हैं इस पर होने वाली है तो फ्रेंड्स आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो फ्रेंड्स ये प्लांट अभी तो काफ़ी अच्छे से चल रहा है पर ये देखिए बारिश के कारण इनकी जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं वो इस तरीके से ख़राब होने लगी हैं कुछ में ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं और कुछ देखिए इस तरीके से पीली होने लगी हैं ये और इनमें जब न्यू ग्रोथ आ रही है तो देखिए कितनी ग्रीन और फ्रेश हैं तो न्यू ग्रोथ इनमें अच्छे से हो रही हैं पर जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं वो अब ख़राब होने लगी है जरबेरा को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है तो बारिश में मेरा ये प्लांट हमेशा ऐसा हो जाता है और जैसे ही बारिश जाने लगती है तो फिर ये प्लांट ठीक हो जाता है और फ्रेंड्स इस प्लांट को हम एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं क्योंकि जरबेरा अपने रूट से ही न्यू न्यू प्लांट्स निकालते जाता है मैं अभी आपको दिखाती हूँ और फ्रेंड्स ये वीडियो मैं शाम के समय शूट कर रही हूँ तो उतनी क्लियरिटी नहीं होगी तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा तो फ्रेंड्स ये देखिए ये इसका मेन प्लांट है और यहाँ से इसी के क्राउन में से ये स्पाइक्स निकली और इसमें ये फ्लावर आया है और ये मेन प्लांट से नीचे रूट चलती है तो ये रूट आगे जाके इस पे से यहाँ से ये न्यू बेबी प्लांट निकाल दिए तो एक ये सेपरेट प्लांट हमें मिल गया या हम चाहें तो इसे सेपरेट कर सकते हैं इसी तरीके से ये दूसरा प्लांट ये दो हो गए और ऐसे ही ये तीसरा प्लांट ये इसे भी हम यहाँ से सेपरेट करके एक नया प्लांट बना सकते हैं और एक ये चौथा यानी इस एक प्लांट से ये चार नए प्लांट बन गए हैं और हम चाहें तो इन्हें सेपरेट कर लेंगे तो हमें पांच प्लांट मिल जाएंगे तो इस तरीके से जरबेरा अपने ही रूट में से नए नए बेबी प्लांट्स निकालते जाता है और हम उसे सेपरेट करके नए नए प्लांट बना सकते हैं तो आज मैं इस प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ क्योंकि इसमें अब फ्लावर कम आ रहे हैं हमेशा मेरे इस प्लांट में एक साथ चार से पाँच फ्लावर आते थे तो शायद ये रूट बाउंड हो गया हो तो अब मैं इस प्लांट को पहले बाहर निकाल लेती हूँ और ये मेरा मिट्टी का गमला है थोड़ा कमज़ोर भी हो गया है तो मुझे बहुत आराम से ये काम करना होगा इससे पहले इसमें जितनी भी ये खराब पत्तियाँ हैं मैं इन्हें कट कर दूंगी क्योंकि ये खराब पत्तियाँ इसी में लगी रहेंगी तो फिर इनमें कीड़े आके लगना शुरू हो जाते हैं इन्हें कट करने से इनमें जल्दी से न्यू पत्तियाँ निकलेंगी और नई पत्तियाँ हेल्दी होंगी तो हमें हेल्दी पत्तियाँ चाहिए तो मैंने सारी खराब पत्तियों को कट कर दिया बाकी तो ये न्यू ग्रोथ है और ये वाली पत्ती थोड़ी पीली है तो जब हम इसे रिपोर्ट करेंगे सॉइल में अच्छे से फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो ये खुद ही ठीक हो जाएगी तो इसलिए मैंने इस एक लीफ को इस पर छोड़ दिया है इसके बाद मैं ये सॉइल को थोड़ी सी ढीली कर लेती हूँ ताकि हमें इस प्लांट को निकालने में आसानी हो और इसकी रूट भी डिस्टर्ब ना हो तो मैं साइड से थोड़ी थोड़ी सी सॉइल को हटा लेती हूँ और उसके बाद हमें इस पॉट को टैप करना है बस आप इसे हल्का हल्का टैप करिए तो ये पूरा रूट बॉल के साथ बाहर आ जाएगा तो देखिए फ्रेंड ये पूरा रूट बॉल के साथ बाहर आ गया है और आप इसकी रूट देखिए ये कितनी ज़्यादा बाउंड हो गई है मतलब इन्हें रूट को फैलने के लिए जगह नहीं मिली तो ये यहीं पे बाउंड हो गई यानी इस तरीके से इनने जाल बना लिया अब मैं इसे निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ तो देखिए ये कितनी ज़्यादा रूट्स हैं जो यहाँ पे गुच्छा बन गई है और ये कितनी ज़्यादा लंबी लंबी रूट्स हैं यानी ये प्लांट ग्राउंड में लगा रहता तो सारी रूट्स नीचे चले जाती तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता लेकिन पॉट में स्पेस कम रहता है तो इन रूट को फैलने के लिए जगह नहीं मिली तो ये सारी यहीं पे इकट्ठा हो गई तो अब यह सारी एक्स्ट्रा रूट को कट करके अलग कर देती हूँ तो फ्रेंड्स जब इस तरीके से किसी प्लांट की रूट बाउंड हो जाती है तो वो सॉइल में से न्यूट्रिशन नहीं ले पाती है और ना ही पानी को प्लांट की पत्तियों तक पहुंचा पाती है और ये रेन लिली का बल्ब जो इसी में ग्रो हो गया था तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे से ये जो एक प्लांट बिल्कुल पॉट के किनारे पे निकल आया था तो इसे मैं यहाँ से सेपरेट कर लेती हूँ तो इसे मैं दूसरे पॉट में लगाऊँगी ये काम आपको थोड़ा सावधानी से करना है कि रूट ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो तो इस प्लांट को मैं यहाँ से अलग कर लेती हूँ तो देखा फ्रेंड ये कितने इजीली बाहर आ गया और इसकी रूट भी देखिए कितनी ज़्यादा लंबी लंबी है तो अब इस प्लांट को मैं चूँकि अलग पॉट में लगाने वाली हूँ तो इसकी जितनी भी लंबी रूट्स है तो मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम कर लूँगी क्योंकि तो फिर यदि ऐसे ही लगा दूँगी तो दूसरे पॉट में भी रूट बाउंडी की प्रॉब्लम आने लगेंगी जरबेरा की रूट ना बहुत जल्दी फैलती हैं काफ़ी मोटी रूट्स होती हैं इनकी और ये बहुत जल्दी फैलती है तो मैं इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग कर देती हूँ तो ये देखिए अब इसकी रूट्स शॉर्ट्स हो गई है अब मैं इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी अब ये बाकी जो चार प्लांट है ये एकदम पास पास में लगे हुए हैं तो मैं इन्हें सेपरेट नहीं करूंगी क्योंकि मैं एक साथ ज़्यादा फूल लेना चाहती हूँ तो मैं इन्हें एक साथ ही लगाऊंगी अब इसकी मैं पुरानी सॉइल को निकाल लेती हूँ तो फ्रेंड्स ये देखिए ये रेड सॉइल है ये प्लांट मैंने नर्सरी से लेकर आई थी तो नर्सरी में ज़्यादातर प्लांट रेड सॉइल में लगे रहते हैं और ये रेड सॉइल हमारे प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है क्योंकि ये वाटर को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखती है और जब पानी आ, सूख जाता है तब ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है ऐसे में प्लांट की रूट तक ना तो पानी अच्छे से पहुँच पाता है और ना ही ऑक्सीजन पहुँच पाती है इसलिए रेड सॉइल में प्लांट को नहीं लगाना चाहिए मैंने ये प्लांट समर सीज़न में लेके आई थी इसलिए मैंने नीचे की तो सॉइल हटा ली थी ऊपर थोड़ी थोड़ी सॉइल रहने दिया था ताकि प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में ज़्यादा ना जाए तो अब मैं चूँकि रेनी सीजन में रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो इसकी सारी सॉइल को निकाल लूँगी और अब मैं इसे नई सॉइल मिक्सर में लगाऊंगी तो देखिए फ्रेंड इसकी रूट कितनी ज़्यादा है कितनी ज़्यादा इस पर रूट्स हैं तो इसकी भी मैं ट्रिमिंग कर लूँगी क्योंकि काफ़ी लंबी रूट्स हैं फिर से रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम आने लगेगी और फ्रेंड्स ये देखिए ये चार प्लांट इस पर लगे हुए हैं ये चारों को मैं एक साथ ही लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास पौड भी ज़्यादा नहीं है और मुझे विंटर सीजन के प्लांट भी लगाने हैं इसलिए मैं इन्हें बिल्कुल भी सेपरेट नहीं कर रही हूँ और आप इनकी रूट को काटते समय बिल्कुल भी ना डरिए क्योंकि ये जरबेरा प्लांट ना इजीली लग जाता है अब तो मैं यहां से इसकी रूट को कट कर ले रही हूं तो फ्रेंड्स मैंने ये इसके एक्स्ट्रा रूट को कट कर लिया है और अब मैं इसे रिपोर्ट करूंगी तो इसे अब मैं ये पुरानी सॉइल में नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये दो साल से एक ही पॉट पे लगा हुआ है तो इस सॉइल में ज़्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं है अब मैं इसके लिए नई सॉइल तैयार करूंगी तो ये मैंने नई सॉइल तैयार करके इस पॉट में फिल कर लिया है और अब मैं इसमें प्लांट को रख के देख ले रही हूँ कि ये ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रहा है तो ये ठीक है तो फ्रेंड ये जो पार्ट है ना ये इसका क्राउन पार्ट कहलाता है यानी यहीं से इसमें पत्तियां भी निकलती हैं और फ्लावर भी निकलते हैं तो ये क्राउन पार्ट सॉइल के नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अगर सॉइल के नीचे चला गया तो यहाँ पे इसमें फंगस आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये यहाँ से रॉट होना शुरू हो जाता है तो ये इसको हमें सॉयल से आधा या एक इंच ऊपर रखना है तो अब मैंने इसे रख लिया है और अब मैं इस पर सॉयल मिक्सर भर लूँगी तो अब मैं इसमें साइड से सॉइल को फिल कर दूँगी और फ्रेंड मैंने इसके लिए जो सॉइल मिक्सचर तैयार किया है उसमें फोर्टी परसेंट गोबर की खाद लिया है फोर्टी परसेंट सॉइल और ट्वेंटी परसेंट सैंड लिया है मैंने खाद की मात्रा ज़्यादा रखी है क्योंकि अब इसका फ्लावरिंग सीजन भी आ रहा है विंटर में ये फुल ब्लूम में होता है तो इसे फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा चाहिए होता है और गोबर की खाद में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है तो मैं जरबेरा के प्लांट में गोबर की खाद ही देती हूँ तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अच्छी पोरस पोरसाइल बनी हुई है तो मैंने इसे लगा दिया है अब मैं इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दूँगी और फ्रेंड पोरस पोरसाइल तैयार करने का यही फायदा होता है कि हम जैसे इसमें पानी डालते हैं थोड़ी देर बाद ये नीचे से निकलना शुरू हो जाता है तो ये देखिए इसमें से नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया है तो ऐसे में प्लांट में फंगस लगने के चांस ही नहीं होते हैं और अब जो ये प्लांट मैंने सेपरेट किया था इसे भी मैं दूसरे पॉट में लगा लेती हूँ फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और ये फ्रेंड्स ये फ्लावर मुझे रिपोर्ट करते समय टूट गया है तो इसे मैं पानी एक ग्लास में पानी लेके उसमें डाल के रख दूँगी तो ये छः से सात दिन तक ये फ्लावर चल जाएगा तो ये मेरे रूम डेकोरेशन का काम करेगा और फ्रेंड्स ये दो दिन बाद का अपडेट देखिए कि ये प्लांट की पत्तियाँ कितनी ज़्यादा फ्रेश दिख रही हैं मतलब इसे रिपोर्टिंग शौक नहीं लगा है इसकी रूट ने साइल को अच्छे से पकड़ लिया है ये स्टेबल हो गया है और ये वो प्लांट है जिसे मैंने सेपरेट किया था इसकी भी पत्तियाँ आप देखिए ये भी फ्रेश है मतलब ये प्लांट भी लग गया है तो जरबेरा का प्लांट इजीली लग जाता है तो इसे आप भी मतलब सेपरेट करके एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं और अपने गार्डन में खूबसूरत फूलों की संख्या बढ़ा सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आइए हम सब मिलके प्रकृति को बचाएं एक कदम जिंदगी की ओर बढ़ाएं